क्या मामला है? हाँ, मामला बहुत है दर्द भरा। एक अम्मा भैया अपनी बिटिया से नहीं मिल सकती है और उके खातिर बदोसराय की पुलिस कार्रवाई भी नहीं करेगी। यहू चाहत है भैया पुलिस वाले की कुछ बड़ा कांड हुए तो ये भैया इंतजार करत है कि कुछ हो जाए तब जाए भैया हम कुछ करी, ऐसे कुछ हो ना करी है। बिचारी अप्लीकेशन दे दे करके थक गई है चाची। लखनऊ के विकास नगर से आती है अप्लीकेशन देती है और एक फरियाद लगाती है कि हमको हमारी बिटिया से मिलने दिया जाए। ऐसा कौन सा कसूर करें भैया कि अपनी बिटिया से नहीं मिल सकी थी और बदोसराय की पुलिस बिल्कुल कार्रवाई नहीं करती। आज वो अप्लीकेशन लेकर एस पी साहब लगे आई रहे कि साहब देखो अपनी बिटिया से मिलना चाहिए थन, हमने समस्या का समाधान किया जाए। अब चाची भी अपनी बिटिया का ब्याह करना है यहीं बदोसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेहंदीपुर गांव में अमन के साथ करना है। अमन भैया स्वर्गवासी हो जाते हैं, संदिग्ध प्रसूति में उनकी मौत हो जाती है इनके दामाद की। तो दामाद के कोनो मामा है वो भैया इनकी बिटिया को लेके चले गए और अभी तक ना विलय दिया था ना बातचीत कर दिया था और ये एप्लीकेशन देती है बदोसराय कोतवाली में। तो कोनो दीवान साहब इनका फोन करते हैं, समझाए बुझा दिया था और काम खत्म भैया, इनकी समस्या का समाधान है नहीं होता। तनिक सुनो का बताते हैं बेचारी। मैंने सर लड़की को अपनी मोदीपुर से शादी किया और हमारी लड़की से न बात कराए रहे, हमने अप्लीकेशन दिया है बदोसराय थाने में दिया और बाराबंकी में दिया, आज 15 दिन से हमने दौड़ रहे हैं लगातार दौड़ रहे हैं। हमारी कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है न हमारी लड़की से बात करने दे रहे हैं। हमारी लड़की, हमें लग रहा है कि हमारी लड़की को कोई गलत हादसा कर दिया। निवल चंद मामा, निवल चंद हैं हमारी दामाद के, और दामाद के मामा का नाम है निवल चंद भैया। एक बिटिया को अपनी अम्मा से मिले ना दे, एक अम्मा को अपनी बिटिया से ना मिले दे हैं और पुलिस वाले कार्रवाई ना करी है। बदोसराय की पुलिस पता नहीं कहा खतरे इंतजार कर रही है, हमने तो समझे नहीं आवत है। जब 15-20 दिन होगा अप्लीकेशन दे करके बिचारी थक गई है, अब एस पी साहब लगे दरखास्त दी है। उम्मीद करते हैं एस पी साहब इनकी बातें सुनिए, समस्या का समाधान करिए। बाकी आपकी कार कमेंट कीजिएगा। एक माँ की बातें तो आपने सुने ली भैया, अगली खबर देख लेते हैं। अब यू देखो बाराबंकी जिले के तहसील सरौली गोसपुर क्षेत्र में भैया जिला पंचायत सदस्य का चुनाव रहा है और बाराबंकी जिले के हरक क्षेत्र के मानपुर गाँव में प्रधान चुनाव रहा है। दोनों भैया उपचुनाव रहा है और भैया महिला जीत गई, महिला प्रत्याशी जीत जाते हैं भारी बहुमत से और दोनों भैया प्रमाण पत्रों मिल गया है। अब सीमा भैया जिला पंचायत सदस्य बनी है सिरौली गोसपुर में, वहाँ भैया कुछ लोग हंगामा करते रहे तो मौके पर पुलिस आ गई थी, सबको समझा बुझा भी दिया गया था। और इस दरमियान भैया मानपुर गांव में रेणु प्रधान बनी है, हमने कहा आपको बता दें जयतपुर क्षेत्र में। फिलहाल अगली खबर देख लेते हैं। अब यू देखो भैया विजय सिंह जी ने तो बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया भैया। आप कहा बताए भैया, अलग तरीके का साइबर फ्रॉड हुआ इलाका है। अंगूठा क्लोन करके भैया AEPS के माध्यम से साइबर फ्रॉड हो जाता है आजकल। 10,000 रुपये निकल गए इनके अकाउंट से। इनका नाम सुमन है, रामसने घाट की रहने वाली है। ये तुरंत जाती है अप्लीकेशन देती है तो जाकर भैया साइबर सेल की पुलिस एक्शन में आती है। और आखिरकार देख लो विजय सिंह जी की तारीफ करनी पड़ेगी जो कि साइबर सेल के प्रभारी हैं, उनके साथ भैया मुख्य आरक्षी चंद्र प्रकाश यादव जी और देखा तो भैया कुलदीपो दिख रहे थे, राजनो दिख रहे थे, सब जने बहुत बढ़िया गुड वर्क करी और सुमन जी को उनके 10,000 रुपये वापस करवा देते हैं। फिलहाल इस पर आपकी कार कमेंट कीजिएगा। अब तनिक सावधान रहो जाओ भैया, कभी साइबर फ्रॉड हुए तो तुरंत पुलिस का सूचना दो। बाकी अगली खबर देख लियो। अब यू देखो लंबे लटके जा रहे हैं क्या बताए दीदी आप हो, कहा बताइए भैया ये सब सही बात नहीं है, पापा का परीना बनो और भैया नियमों का पालन करो। यातायात नियमों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही बाराबंकी जिले में, देखा तो भैया पिकअप पर लटके जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो हमारे पास है, हमने कहा आपको दिखा दें कि यातायात वाले दरोगा सब तनिक जागरूक होंगे और पिकअप वालों पर तनिक ध्यान देंगे वरना बड़ी दुर्घटना हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, यातायात नियमों का पालन करना और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैसेज को मिलेगी तो बात मिलेंगे इसके।